In the series of inspiring interviews, today we have with us Manisha. Hi Manisha. Hello sir. Yes. Manisha is my student. She is learning English phonetics, soft skills, body language, etiquettes, mannerisms and interview skills. She wants to go and make a name in airlines industry. Over to you Manisha. Yes. So what made you think that तुमको ऐसा क्या कब फील हुआ कि मुझे एयरलाइंस इंडस्ट्री में जाना चाहिए? सर एक्चुअली मुझे ऐसा फील हुआ आफ्टर मेरा ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हो गया देन आई फील कि मुझे अब एयरलाइंस में जाना चाहिए जस्ट बिकॉज इट इज़ माई चाइल्डहुड ड्रीम एंड आई एम इंस्पायर्ड बाय लाइक टू नीरजा भानोट दैट मीन कि मेरे को लगता था कि नहीं मेरे में वो एबिलिटी है कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ उस फील्ड में जाके तो मुझे फील हुआ और मैंने उसमें ट्राई करना स्टार्ट किया अपना एयरलाइंस इंटरव्यू देना। आपकी कभी किसी से मीटिंग हुई हो जो इस प्रोफेशन में रहती हो या ऐसा कभी? बिल्कुल बहुत सारी गर्ल्स ऐसी थी जो इनसे मैं मिली इस इंडस्ट्री में जाके और बहुत सारे इंटरव्यूज़ ऐसे हुए जहाँ पे कुछ पॉजिटिव रिप्लाइज़ भी थे कुछ नेगेटिव रिप्लाइज़ भी थे कुछ एचआर्स के भी ऐसे रिप्लाइज़ थे जिनसे मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। ये बहुत टाइम हुआ है। जैसे मैं आपको इंस्टीट्यूट्स की बात बताती हूँ कि बहुत सारे रनिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं हमारे जयपुर में आप जयपुर के बाहर भी जहाँ पे गर्ल्स से बहुत फ़ीस ले लेते हैं इस चीज़ के लिए लाइक 1 लाख समथिंग। अच्छा। और उन्हें फिर सिर्फ नॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती है लाइक आपको बिहेव कैसा करना है आपको क्या आपका अटायर क्या होना चाहिए और आपको किस तरीके से चलना है उनकी बॉडी लैंग्वेज लाइक नॉर्मल इंटरव्यू जो टिप्स होते हैं वो उन्हें दिए जाते हैं। बट जहाँ तक मैंने फेस किया मैं उस टाइम पे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर रखा था कुछ ज्वाइन नहीं कर रखा था और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी बाकी उन लड़कियों से जिन्होंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा था और उन लड़कियों ने ही मुझे बोला कि आप इस तरीके के लग रहे हो कि आप फुल कॉन्फिडेंस से आए हो और हमें लग रहा है कि हमें कुछ तैयारी नहीं है अब इस चीज़ के लिए। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। ओके। जब मैं उन लड़कियों से मिली तो उसमें आपका नहीं हुआ सिलेक्शन? नहीं हुआ। नहीं सर मेरा सिलेक्शन मैं अभी लिटरली बताऊं तो अभी किसी भी एयरलाइंस में नहीं हुआ है। और आपने कितने इंटरव्यूज दिए? मैंने 7 से 8 इंटरव्यू अभी तक दे लिए हैं। गो एयर में मेरा सिलेक्शन हो जाता बट मैं अंडरवेट रह गई तो इस वजह से मेरा सिलेक्शन वहाँ पे भी नहीं हुआ और उसके बाद मैंने ट्राई भी नहीं कर पाई कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी तो मैं ट्राई नहीं कर पाई उस बारे में। आपको स्मार्ट माइंड स्किल्स अकेडमी के बारे में कैसे पता लगा? सर स्मार्ट माइंड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेंटर का पता मुझे मेरे भाई से लगा। उसने मुझे बोला कि यहाँ पे जो टीचर हैं वो आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देंगे आपको मैनेजमेंट सिखाएंगे आपको स्किल्स देंगे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करवाते हैं और उसके साथ साथ ही इंग्लिश ट्रेनिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जिस लाइन में मैं जाना चाहती हूँ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया। आप इंग्लिश ट्रेनिंग अभी कर रही हैं तो उसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या खास है IPA जैसे आप IPA कर रहे हो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट कर रहे हो फोनेटिक्स कर रहे हो इसमें ऐसा क्या खास है जो और जगह नहीं मिलता है आपको? सर और जगह तो मैंने इतने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिए हैं बहुत सारे ज्वाइन कर चुकी हूँ और मैंने कभी भी किसी को फोनेटिक्स पढ़ाते हुए नहीं देखा। फर्स्ट तो मेरा एक्सपीरियंस यही था। बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे जहाँ मैंने फोनेटिक्स वगैरह तो नाम ही नहीं लिया उन्होंने। स्टार्टिंग इट्स लाइक इंडक्शन इंट्रोडक्शन आपका उसके बाद थोड़ा बहुत डिबेट होता है थोड़ा बहुत वो आपको टेंसेस सिखा देते हैं थोड़ा बहुत वो आपको बोलना सिखाते हैं और पर्सनल जो ग्रूमिंग ट्रेनिंग होती है वो तो आपको सभी देते हैं। तो फोनेटिक्स तो अभी तक मुझे इसी क्लास में मिला है और क्लास में तो मैंने अभी तक सीखा। इससे क्या डिफरेंसेस आपको लगता है आप में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं? शुरू हुए मेरे में बहुत डिफरेंसेस आ रहे हैं। आपने अभी सिर्फ 10-15 दिन हुए हैं आपको? हाँ बिल्कुल मुझे 10 to 15 days हो चुका है यहाँ। मेरे डिफरेंसेस मैं बता दूँ कि आई बूस्ट अप माई कॉन्फिडेंस लेवल। सेकेंडरी थिंग कि मेरा जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। मैं जो वर्ड्स गलत प्रोनाउंस करती थी वो मैं कोशिश करती हूँ मैं अच्छे से अच्छा करना का कोशिश बहुत करती हूँ। अभी भी मैं ठीक तरीके से नहीं बोल पाती बट नहीं कि ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं बोल पाती। तो फोनेटिक्स से मेरे को बहुत लैंग्वेज का पता चल रहा है कि किस तरीके की लैंग्वेज होती है इंग्लिश कहाँ से आई है क्या है इंग्लिश का वे तो बहुत चीज़ों का पता चला है बहुत चेंज आया मेरा। इंग्लिश इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अराउंड 80 लैंग्वेजेस एज आई हैव सेड टू यू जी। तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ मैं समझता हूँ कि जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में या ट्रिनिटी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में जो चीज़ें कराई जाती हैं इंग्लिश फोनेटिक्स वगैरह वही सेम स्टैंडर्ड हमारा है। और हम तो यहाँ इस पे करीब वर्ड्स भी बहुत अच्छे खासे वर्ड्स 5000 वर्ड्स 10000 वर्ड 15000 वर्ड्स पे काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इससे आप इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए भी आप अपने आप को तैयार कर पाएंगी? समय लगेगा। हमारा जो कोर्स है वो थोड़ा सा लंबा है, 4 से 5 महीने 6 महीने का कोर्स है, तो इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन इवेंचुअली यू गेट व्हाट यू डिजर्व। सर देखिए, आपने जो बात कही कि बिल्कुल समय तो लगता है, समय हर चीज़ का लगता है। अगर मैं एक लैंग्वेज सीखने के लिए यहाँ आई हूँ तो मुझे समय लगेगा, क्योंकि मैं बचपन से ये चीज़ नहीं बोलती आ रही हूँ। और दूसरी बात, बिल्कुल मैं इंटरनेशनल एयरलाइंस की तैयारी कर सकती हूँ इस चीज़ से, जस्ट बिकॉज कि मुझे बेसिक पता होगा उस चीज़ का कि बेसिक क्या चीज़ है। बेसिक पहले मैं यहाँ जब आई थी तब मेरा सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट था कि मुझे इन एयरलाइंस में जाना है, लाइक इंडिगो एयरलाइंस में जाना है, स्पाइसजेट में जाना है। अब मेरा जो मोटिवेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है कि आई लाइक टू ट्राई ओमान एयरलाइंस, आई लाइक टू ट्राई स्काई एयरलाइंस एंड अदर इंटरनेशनल एयरलाइंस ऑल्सो, लुफ्तांसा, बहुत सारी एयरलाइंस हैं। Okay, for the viewers of this video, we would like to tell that we also recommend our students to the HR managers in these top companies, airlines companies like Lufthansa, Oman Airlines and these, just because मैं आपको हिंदी में बताऊं कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, हम डायरेक्टली उनको जो HR मैनेजर्स हैं उनको भी रेकमेंड करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम किस लेवल की ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग देते हैं, ग्लोबल इंग्लिश में ट्रेनिंग देते हैं, IPA जो है उसमें ट्रेनिंग देते हैं। तो हम डायरेक्टली उनको मेल के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, उनको डायरेक्टली हमसे जुड़े हुए हैं ये लोग सारे HR मैनेजर्स, हम इनको रेकमेंड भी करते हैं। एंड इफ़ यू आर लकी देन यू कैन गेट इट। सी IPA जो है, IPA जो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट है, इसकी ट्रेनिंग ब्रिटिश काउंसिल के अलावा, जो दिल्ली में ब्रिटिश काउंसिल है, उसके अलावा बहुत मुश्किल है कि आपको भारत में कोई एक स्टैंडर्ड का कोई इंस्टीट्यूट मिले जहाँ पर इस लेवल की ट्रेनिंग होती है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर ये ट्रेनिंग इतनी रेयर है तो हमें इसको जहाँ मिल रही है वहाँ से हम ले लें। और आई एम नॉट चार्जिंग, मैं कोई 1.5 लाख रुपए चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इतना चार्ज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक कुछ कंसिडरेबल अमाउंट चार्ज करता हूँ, तो उस अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो इट्स रियली अफोर्डेबल एंड यू शुड गो फॉर दैट। इफ़ इट इज़ मेकिंग योर करियर, आपकी पहली जो सैलरी होगी मैं उतना ही चार्ज करता हूँ। सो एम आई राइट मैम? सो सर, यस प्लीज़, जस्ट 2 मिनट्स में आपके लेना चाहूँगी। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन लड़कियों से जो बाहर के गांव से आती हैं, जिनके पेरेंट्स उन्हें बहुत अच्छे से रखते हैं, यहाँ के वो बहुत स्ट्रगल करती हैं। मैंने देखा कि आप 1.5-2 लाख रुपए देके बहुत जगह आप यहाँ पे रहते भी हो, आप यहाँ पे सर्वाइव भी करते हो, किस किस कंडीशन से आप स्ट्रगल करते हो, सारी चीज़ करते हो। तो मैं अपना एक ओपिनियन आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी कि प्लीज़ जॉइन दिस इंस्टीट्यूट, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे आपको कोई 1.5-2 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे। इट्स जस्ट कि आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस, आप जब कदम रखोगे ना, ऑब्वियसली बहुत लगेगा कि नहीं मैं कैसी जगह आ गई हूँ, क्या है क्या नहीं है, आई डोंट नो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इस जगह को लेके। आप 1.5-2 लाख रुपये मत पे करो, आपका जो भी है, अविनाश सर बहुत अच्छे से आपको देखेंगे, सब कुछ करेंगे, आप खुद बूस्टअप हो जाओगे। यहाँ आने के बाद आपको खुद को लगेगा कि जहाँ मैं 1.5-2 लाख रुपए दे रही थी और इस इंस्टीट्यूट में आके जो आप करना चाह रहे हो वो आप बहुत ईजीली और बहुत कम पैसों में शायद मैनेज कर सको यहाँ आके, और इतना स्ट्रगल यहाँ नहीं करना पड़ेगा आपको। देन यू कैन गो इवन इंटरनेशनल।